हाय दोस्तों, माताओं बहनों भाइयों सभी का नमस्कार। माताओं बहनों भाइयों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका DBT आपके किस अकाउंट में जा रहा है, जो भारत सरकार द्वारा जो सब्सिडी मिलता है, जो आपके अकाउंट में आता है, किस अकाउंट में गया है। मैं फुल डिटेल बताऊंगा माताओं बहनों भाइयों। वीडियो में किसी प्रकार की गलती हो तो माफ़ कर देना। जो जानते हैं ठीक है माताओं बहनों भाइयों, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और रिटेलर भैया के लिए भी, एजेंट भैया के लिए, सभी को महत्वपूर्ण बातें हैं। इस वीडियो को देखना अनिवार्य है भैया। जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए बहुत अच्छी बातें हैं। तो आपको क्या करना है, पहले क्रोम ब्राउज़र में चलना है माताओं बहनों भैया। कहाँ चलना है, क्रोम ब्राउज़र या गूगल में, तो आपको लिखना क्या है बता रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं माताओं बहनों भैया। अभी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर देना। तो आपको चलिए पहले क्रोम ब्राउज़र में माताओं बहनों भाइयों, आप एक क्रोम ब्राउज़र है और ये गूगल है, गूगल से भी थ्रू आप देख सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र से किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगा। ये क्रोम ब्राउज़र है भैया, क्रोम ब्राउज़र से अच्छे अच्छे चीज़ दिखाई देते हैं, इसमें किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए भैया क्रोम ब्राउज़र को हम टच कर रहे हैं। देखिए टच करते ही ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हो गया, यहाँ पे लिखना है आपको, क्या लिखना है भैया बता रहा है। यहाँ पे लिखना है DBT, ठीक है भैया। जैसे ही लिखेंगे DBT तो यहाँ पे DBT भारत पे टच कर सकते हैं, और नहीं तो आपको होम पे टच कर देंगे। होम पे टच करते ही ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है DBT, तो हम इसे क्या करेंगे, टच कर देंगे। टच करेंगे ओपन हो जाएगा भैया। देखिए ओपन हो गया माताओं बहनों भाइयों। जो वीडियो न जानते हों वो कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ सकते हैं। इसे यहाँ पे हम करेंगे जूम हो जाएगा इसी तरह से। फिर यहाँ पे देखिए DBT भारत यहाँ छपा है, सिंबल्स भी है आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसे आओ कहते हैं, आप नहीं कहते, आप माने दूर होता है, आओ है भैया, आओ माने में से, गवर्नमेंट आओ इंडिया, ठीक है भैया। आपको क्या करना है, कहाँ पे जाना है, चलिए बता रहे हैं भैया। तो आपको देखिए सारे डिटेल होम पे है, अबाउट है, यहाँ पे ऐसे देखिए सब सारे सिस्टम है। तो आपको चलना कहाँ पे है बता रहे हैं, इसके थोड़ा जूम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे होम है, अबाउट है, DBT स्कीम है, स्टेट रनिंग आप DBT, आप सारे सिस्टम। आपको चलना कहाँ पे है, देखिए सिटीजन बैंक अकाउंट आधार लिंक स्टेटस फाइंड नियर बाई, सिटीजन बैंक अकाउंट आधार लिंक स्टेटस फाइंड नियर बैंक, इसे हम क्या करेंगे, टच कर देंगे भैया। जैसे ही टच करेंगे ओपन हो जाएगा माताओं बहनों भाइयों। ओपन होते ही आपको क्या करना है, यहाँ पे दे देगा सिंबल आधार का। यहाँ पे देखिए चेक आधार अपान बैंक स्पीड स्टेटस, चेक आधार बैंक स्पीड स्टेटस, ठीक है भैया। तो अब आप नीचे जाते रहिए। यहाँ लिखा है इंटर योर 12-डिजिट आधार नंबर ओवर, फिर यहाँ पे आप UID से भी चेक कर सकते हैं और आधार नंबर से। तो क्या करते हैं आदमी व्यक्ति, आधार नंबर ज़्यादा याद करे रहते हैं, कि ID जो होता है 16 अंक होता है, इसे आधार नंबर 12 अंक होता है वो याद कर लेते हैं। यहाँ पे आधार नंबर लिखेंगे, आधार लिखते ही यहाँ पे कैप्चर कोड लिखेंगे। तो भैया कैप्चर कोड लिख दे रहे हैं, आधार नंबर नहीं दिखाएंगे भैया, न दिखाना भैया किसी को, न तो OTP देना है। कोई भी व्यक्ति हो आप अपने स्वयं से कीजिए, किसी के व्यक्ति को OTP ना साझा करें भैया, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा भविष्य में। तो भैया हम आधार नंबर लिख रहे हैं, आधार नंबर दिखाएंगे नहीं भैया माताओं बहनों भाइयों। तो हम यहाँ पे आधार नंबर लिख दे रहे हैं, अब दिखाएंगे उसके बाद। यहाँ पे आधार नंबर लिखते ही हम बताएंगे OTP आएगा। भैया आधार नंबर लिख दिए, आधार नंबर लिखते ही हम क्या करें, सेंड OTP करना है। यहाँ पे ऐसे करेंगे तो OTP आएगा, ठीक है भैया। देखिए भैया OTP आ गया भैया, ठीक है भैया, हमें OTP लिखना है भैया, अभी दिखा रहे हैं आपको भैया। OTP आ गया भैया, ऐसे आप जाते रहिए, नीचे जाते रहिए, इसके नीचे और जाएंगे आपका आधार नंबर आ जाएगा भैया,
तो हम इसके आगे नहीं दिखाएंगे वीडियो, न इसके थोड़ा रोक रहा हूँ वीडियो भैया। तो देखिए भैया यहाँ पे ओटीपी सेंड है, आप यहाँ पे ओटीपी लिखना है, ठीक है। आपके जो भी आधार नंबर लिंक होगा मोबाइल नंबर उसी पे ओटीपी जाएगा। चलिए हम दिखा रहे हैं ओटीपी कैसा है, वन टाइम पासवर्ड भैया, इसे हम टच कर देंगे। टच करते ही हमें ओटीपी आ जाएगा, दिखाई देगा जो आधार से रहेगा रिलेटेड। अभी नहीं आया भैया। हाँ भैया देखिए ओटीपी आ गया भैया, यही है, ठीक है भैया, ओटीपी आ गया भैया। तो हमें क्या करेंगे, कॉपी करना है या लिखना है 67 40 66, ठीक है भैया। भैया ओटीपी अनजान व्यक्ति के किसी को न दीजिए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हम भी पूछे न देना भैया, भले ही वीडियो बना रहे हैं, कोई व्यक्ति हो उसे आप ओटीपी शेयर न कीजिए माताओं बहनों भाइयों। देखिए पेस्ट पे नहीं ले रहा है, तो हमें क्या करेंगे, दोबारा से पेस्ट कर दे रहे हैं 66 40। देखिए ऐसे कर दिए, आ गया भैया। इसे हम क्या करेंगे, वेरीफाई कर देंगे, सम्मिलित कर देंगे, सम्मिलित करते ही ओपन हो जाएगा माताओं बहनों भाइयों। देखिए हमें दिखाई दे रहा है, अब लास्ट का आप 4 अंक का आधार नंबर देख सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। चेक आधार बैंक स्पीड स्टेटस, चेक आधार बैंक स्पीड चेक, कंग्रेचुलेशन योर आधार बैंक। अभी देखिए डन हो गया, ये आधार नंबर हो गया भैया, बैंक स्पीड हो गया, बैंक स्पीड में देखिए दिखा रहा है 31 मई 2023 को हमने एक्टिवेट किए थे पेटीएम पेमेंट बैंक में, ठीक है। आपका जिस भी अकाउंट में जाएगा आपको दिखाई दे, चाहिए एयरटेल पेमेंट हो, चाहे VOB हो, जो भी DBT लिंक किए होंगे उसी खाते में जाएगा, क्योंकि सब्सिडी जो होता है डिलीवरी का और सब्सिडी है, उसमें दिक्कत हो जाता है माताओं बहनों के कि हमारा किस अकाउंट में बैलेंस गया। DBT के थ्रू आधार सिस्टम से जो है भारत सरकार भेजते हैं। आपको किसी भी प्रकार को आपको दिक्कत हो भैया, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं उसका रिप्लाई देर में करूँगा मगर अच्छे से बता दूँगा, नहीं तो आप कमेंट में मेरा नंबर ले सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको OTP मांग रहा भैया ना देना, चाहिए हम हो चाहे दूसरा व्यक्ति हो, OTP किसी को साझा नहीं किया जाता है, वन टाइम पासवर्ड भैया। तो चलिए वीडियो अच्छे लगे तो माताओं बहनों भाइयों वीडियो लाइक और शेयर कर देना। मैं आप सबके बीच में ऐसे ही प्रभा टेलीकॉम के तरफ से ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, टेक्निकल वीडियो। जय हिंद जय भारत।